मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूँ बाराबंकी जनपद के बिखारखंड देवा अंतर्गत ग्राम रीवा रतनपुर में। यहाँ पर बुद्ध कथा का आयोजन किया गया है और इस बुद्ध कथा के आयोजन में भीम आर्मी एकता मिशन के जिला प्रभारी भाई हरनंद सिंह गौतम जी हमारे बीच में आए हैं। आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पे आने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आपका यूपी राजधानी न्यूज़ चैनल में स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं कि बुद्ध कथा में शामिल होने का आपका क्या उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले राजधानी न्यूज़ का और आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि आपने मजलूमों के बीच में आकर जो है इनकी खबर, इनकी आवाज़ जो है देश दुनिया में पहुंचाने के लिए आप पहुंचे, इसलिए राजधानी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जिला प्रभारी एडवोकेट हरिनंदन सिंह गौतम एवं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जनपद बाराबंकी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को 9 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनके संरक्षण के लिए एक जो है संस्था बनाकर गए थे, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो 1956 से निरंतर चल रही है। उसका मैं जनपद का प्रभारी और जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं वो लोग और गांव के लोग, यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं, पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, इन्होंने अपने खून पसीने से बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए अपना समय, पैसा और विवेक सब खर्च करके, क्योंकि बाबा साहब का रुका हुआ कारमा कैसे आगे बढ़े इस पर जो है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा। तो ऐसे सौंदर्य कार्यक्रम में हम लोग जो जिम्मेदारी सामाजिक अगुवा हैं, जिम्मेदारी है कि वहाँ पर पहुँच कर हौसला अफजाई करें, इनकी परेशानियों को समझें, अगर कोई दिक्कत आती है उन परेशानियों को दूर करें, यही हम आने का उद्देश्य है। सर, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय देते हुए यहाँ पे आने का अपना जो उद्देश्य है बताएं। मैं दिनेश कुमार गौतम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रहा हूँ आपके फतेहपुर से। हमारा समाज में जाने का मेन उद्देश्य ये है कि हर इंसान मेरी तरह नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग जो बुद्ध कथा के माध्यम से जो चर्चा हो रही है उसको सुने और अपने जीवन में उतारें। सच्चाई क्या है, झूठाई क्या है, वो यहाँ से सीख कर जाएं। मुझे लगता है जितनी भी कथाएं, बुद्ध कथाएं होती हैं, हर जगह ये बताया जरूर जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध जी जो हमारे समाज के लिए किए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अपना त्याग बलिदान किया, वो हमारे समाज लिए, उस समय बाबा साहब कितनी तकलीफ झेले थे हमारे समाज के लिए। बाबा साहब जब गोलमेल सम्मेलन हुआ तो उस समय उनका बेटा इस ख़त्म हो गया, तो जब उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बानी कर दिया, अपने बच्चों की मिट्टी में तक नहीं पहुंच पाए, आज हमारे बेटे को अगर दर्द होता है तो अगर खबर आ जाती तो हम अपने घर जाते हैं। तो बाबा साहब ने जो कुर्बानी दिया है उसको, उनका त्याग और बलिदान सोचते हुए आप लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। और सभी से निवेदन, माताओं बहनों से करता हूँ कि अपनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, नशा से दूर रखें, तभी हमारे समाज का विकास हो पाएगा, अन्यथा विकास नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हमारे बीच में अगले अतिथि मौजूद हैं। आइए सर, हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए हुए हैं इतने रात में लोगों बीच में, समाज की सेवा के उद्देश्य से आए हैं, आप अपना परिचय देते हुए बताइए यहाँ पे आने का आपका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं हरदासी खेड़ा चिन्हट लखनऊ से आया हूँ और मैं जो है 2018 में भीम आर्मी से जुड़ा था संगठन में, और उसके बाद मैं जिला कोषाध्यक्ष भीम आर्मी का भी रहा। और हमारे यहाँ आने का उद्देश्य जो है, जैसे
तमाम हमारे बहुजन जो है महापुरुष हुए हैं, चाहे जो जो है महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी जाति धर्म ना देख कर उन्होंने जो है जो सामाजिक शिक्षा को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य किया है। तो हम लोग जो है मतलब ये अब ढोंग आडंबर जो है और शिक्षा को निरंतर आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में जो है जहाँ पर बुद्ध कथा होती है वहाँ पर हमारी टीम पहुँचती है और जो है महापुरुषों को विचारों से लोगों को जो है बताने का कार्य करते हैं। दोस्तों, अगले अतिथि के बारे में हम आपसे बता दें, अभी आपसे पूरी बातचीत करेंगे। इसके पहले पर्चे की जगह पे मैं चाहूँगा कि अंबेडकर नगर के रहने वाले सुकुमार राय जी, जो कि आपका यानी आपकी जो अपना पर्चे एक गीत के माध्यम से हम चाहेंगे दें, ताकि आप लोग भी उनके विचार सुने, उसके बाद में आप लोग जो विचार देना होगा देंगे। आई सुकुमार राय जी, आपका जो है चाहते हैं कि अपना पर्चे गीत के माध्यम से दें। मेरा लहरा लहरा लहराए, मेरा लहरा लहरा लहराए, लहरा ठंडा चरंगा मेरा लहरा Yeah, they got it.
Thank you.